الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ये शाबानुल मौसम का महीना चल रहा है और रमजान की आमद आ रही है। अल्लाह जल्ला शानहु ने इस महीने को भी बड़ा मुहतरम बनाया है, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया था कि अश्शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरे अल्लाह का है। तो इसलिए इसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना करार दिया कि ये मेरा महीना। और हदीस में आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और महीने में इतने नफली रोजे नहीं रखते थे जितने शाबान में नफली रोजे आप कसरत के साथ रखते, बल्कि बाद रिवायात में तो ये भी है कि बाज दफा आपने शाबान का भी पूरा महीना रोजे रखिए, यानी नफली रोजों का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत एहतमाम करते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि शाबान में जिस कदर हो सके नफली रोजों का एहतमाम किया जाए, इस वजह से कि ये मेरे नबी का महीना है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में बड़ी कसरत से नफली रोजे रखते हैं। ज्यादा ना हो सके तो कम से कम जो आपकी आदत मुबारक थी कि आप 13 14 15 शाबान हर महीने की चांद के ये जो तीन तारीखें होती हैं 13 14 15 चांद की, एक को अय्यामे बीस कहा जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप हर महीने में अय्यामे बीस के रोजे जरूर रखते थे, यानी 13 14 15। तो इसलिए अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए तो कम से कम इन तीन दिनों के रोजे का एहतमाम कर लिया जाए ताकि इत्तिबाए सुन्नत हो सके, आपकी सुन्नत की पैरवी हो सके। तो मैंने कहा इन तीन दिनों के रोजे का एहतमाम कर लिया। ये महीना बहुत मोहतरम है और दर हकीकत ये रमजान की तैयारी है। जैसे किसी भी चीज की पहले तैयारी होती है, आप फर्ज पढ़ने से पहले कुछ सुन्नतें अदा करते हैं। ये जो सुन्नत नमाज आप कहते हैं या नफिल नमाज कहते हैं, ये दर हकीकत फर्ज की तैयारी होती है। तो इसी तरीके से रमजान एक फरीजा है तो शाबान में मैं और आप उसकी तैयारी करते हैं, तो भारत उसकी तैयारी नफली रोजों से ही करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने एक नेमत और इस महीने में अता की है जिसको लैला
बरका भी कहा गया, लैलतुर रहमा भी कहा गया, और लैलतुल बराआ भी कहा गया, और लैलतुस सब भी कहा गया। हदीस में मुख्तलिफ नाम इसके आते हैं, जिसको मैं और आप 15 शाबान की रात कहते हैं। ये भी इस्लाम में मुहतरम रातों में शुमार की गई। एक रिवायत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो 5 रातों को जिंदा करे, यानी 5 रातों में इबादत कर ले, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। तो जब आपने उन 5 रातों का तस्करा किया, तो उसमें 8, 9, 10 ज़िलहज्जा, जो बड़ी ईद से पहले होती है, और ईद उल फितर की रात, और फिर आपने फरमाया 15 शाबान की, तो ये 5 रातें, इसके मुताबिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो इनको इबादत के जरिए से जिंदा करेगा, अल्लाह ताला उसमें जन्नत वाजिब कर देगा। तो इसलिए उन 5 में से 1 आ रही है, बाकी आगे ईद उल फितर के ईद उल अज़हा के मौके पर आएगी। ये भाइयों इबादत के कुछ मवाक़े अल्लाह ताला का फरमाते हैं, या जिसको आप मौसम कहते हैं। मौसम में ये होता है कि वो चीज आसानी से दस्तयाब होती है और वहां कसरत पाई जाती है। वैसे हम इबादत के मुकल्लफ याद रखिए पूरी जिंदगी के लिए। बास लोगों को एक गलत फहमी लग जाती है, बल्कि शैतान ही पट्टी पढ़ा देता है। वो यूं समझते हैं कि मखसूस रातों में जाग लिया जाए और उसके बाद अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारी जाए। भाई ये इस्लाम का मिजाज नहीं, याद रखिए ये गलत फहमी है। इस्लाम का मिजाज ये है कि पूरी जिंदगी दीन के मुताबिक गुजारो, लेकिन जब कोई खास मौका आ जाए तो जरा और आगे बढ़ जाओ। ये नहीं है कि बाकी जिंदगी छुट्टी कर लो और मखसूस रातों में इबादत करके ये समझ लो कि बस नहीं हमारा बेड़ा पार हो गया। ये शैतानी चाल होगी, इससे मुझे आपको अपने आप को बचाना है। दीन की सही समझ, दीन का सही फहम, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी इनायत है कि हम अपने दीन के मिजाज को समझ जाए, दीन की सही रविश को समझ जाए, ये अल्लाह ताला की इनायत होगी। तो इसलिए मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि इबादत की रात जरूर है, इसका इनकार नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब ले लेना कि बाकी दिनों की छुट्टी हो जाए, ये इस्लाम में नहीं है। ये मन घट है अगर कोई आदमी ऐसा करता है। और ये भी याद रखिए कि मेरे और आपके दीन में अल्लाह ताला ने जो फराइज का दर्जा रखा है, फर्ज नमाज का जो दर्जा है, वो हमारे नवाफिल उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकते। हम सारी जिंदगी भी नफिल पढ़ते रहे तो याद रखिए ये फर्ज का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। फर्ज जिसको अल्लाह ने फर्ज करार दिया है, उससे अल्लाह का क़ुर्ब सबसे ज्यादा हासिल होता है। तो हम फर्ज नमाज को छोड़ दें, उसका कभी लिहाज ना करें, और ये समझे कि साहब लैलतुल बरा, शबे बरात आ रही, मौलवी जी इधर रात को तुसी नफल पढ़ा देंगे साहब, और कोई नहीं तो सलात और तस्बीह पढ़ा दिया जे, साडा बेड़ा पार हो जाएगा। ये गलत फहमी, ये शैतान की तरफ से है, ये दीन में नहीं। दीन में ये है कि जान निकले तो निकल जाए, लेकिन फर्ज नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए मेरे और आपके पैगंबर, हमारे आका सरदार सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ ले गए हैं। अम्मा जान फरमाती हैं आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दो सहाबियों के कंधों पे आपके हाथ थे, इधर भी बगल में उन्होंने लिया हुआ है, इधर भी, तो कंधों पर लेकर आपको मस्जिद में ले जाया जा रहा है। आपके पांव मुबारक वो जमीन पर पूरे तरीके से नहीं लग रहे थे, अपने पांव पे यूं चल के नहीं जा रहे थे, बल्कि आपके पांव जमीन पर घिसट रहे थे, और आपको मस्जिद में फर्ज नमाज के लिए ले जाया गया। तो आज उम्मत फर्ज नमाज को भूल जाए, भाइयों ये गलतफहमी ना करो। दीन की मैं फिर बार-बार कह रहा हूं, सही समझ अल्लाह से मांगो, हमें दीन का सही रुख पता चले, कहीं ऐसे ना हो कि हम दीन के नाम पर बेदीनी कर दें, दीन के नाम पर गलती में मुब्तला रहे, इससे बचना बहुत जरूरी है। तो मैंने अर्ज किया है कि
दर्जा फर्ज नमाज का है, उसके बाद अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए तो नवाफिल जितना मौका मिल जाए वो पढ़ने चाहिए, लेकिन फर्ज को छोड़कर ये काम करना चाहिए। बाज लोग फर्ज की अहमियत नहीं देते और नवाफिल में जोर दे देते हैं, तो मैंने कहा ये गलती होगी, इससे इज्तिनाब करना चाहिए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये रात अल्लाह ताला की रहमतों की रात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात में अल्लाह ताला मेरी उम्मत के इतने अफराद की मगफरत फरमाते हैं। आपने अरब का एक कबीला था बनू कल, आपने उनका नाम लेकर फरमाया, उस कबीले की बकरियां सबसे ज्यादा थी, वो बकरियों के रेवड़ पाला करता था, उनका रिवाज था, वैसे भी अरबों ने अभी बकरियां बहुत ज्यादा पालते थे, तो आपने उनका नाम लेकर कहा कि बनू कल की बकरियों के जिस्म पर जितने बाल हैं इन बालों से भी ज्यादा अल्लाह ताला मेरी उम्मत के अफराद की मगफरत करेगा, तो इसलिए ये बख्शिश की रात है, इसमें शक नहीं है। और आपने तीन चीजें फरमाई, फरमाया अल्लाह ताला ये ऐलान करते हैं हर मिन मुस्तगफिर, भाई किसी को ये लालच है कि या अल्लाह मेरी बख्शिश हो, कोई बख्शिश तलब करने वाला है, भाइयों इसकी तो हिर्स होनी चाहिए और मैंने कहा इस पे तो जान दे देनी चाहिए कि बारी ताला किसी तरीके से हमारी बख्शिश हो जाए। भाइयों बख्शिश हो गई तो बेड़े पार हो गए और खुदा ना खास्ता पकड़े गए तो मैंने कहा फिर मसला बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फरमाया पहला ऐलान ये होता है हल मिन मुस्तगफिर, भाई किस किस को ये चाहत है कि अल्लाह ताला हमारी बख्शिश कर दे, तो अल्लाह ताला कहते कोई है बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्शिश अता करूं। आज मैं खुद बुला रहा हूं कि आओ और आकर मेरे से अपनी बख्शिश का परवाना ले जाओ। देखो भाई आप अपने घर में हैं, आप बाहर से किसी को बुलाते हैं, फकीर को किसी साए को कि आओ भाई ये खैरात ले जाओ, रोटी ले जाओ, रुपया ले जाओ, जो भी आप देना चाहते हैं। अगर आप एक शरीफ और मुअज्ज़ज़ इंसान हैं तो आप किसी को आवाज देकर बुलाएं और बुलाएं भी भिखारी को फकीर को और ये कहें आओ भाई ये खैरात ले जाओ। तो आप बताइए जब आप अपनी जुबान से किसी को बुलाओगे तो बुलाकर उसके हाथ में खैरात दोगे कि नहीं दोगे? यकीनन दोगे, इसलिए कि खुद बुलाया है। खुद बुलाकर इंसान खाली हाथ वापस नहीं किया करता, वो समझता है मेरी मुरुव्वत के खिलाफ है, मेरी इज्जत के खिलाफ है, मैंने तो खुद कहा है कि भाई भिखारी आ जाओ मेरे हाथ से खैरात ले दो, सबका ले दो, कोई चीज आप देना चाहते हैं। जब आपने ऐलान करके बुलाया है तो फिर आप जरूर देंगे, इसलिए कि आपने खुद ही तो तलब किया है। आज तो अल्लाह ताला खुद कह रहे हल मिन मुस्तगफिर, मेरे बंदों आज मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारी बख्शिश के परवाने दूं, लेकिन मिलेगा उसको जो आ जाए आवाज दे जाए। तो जब अल्लाह बुला रहे हैं तो उनकी रहमत से बड़ी है कि वो खुद बुलाएं और बुलाकर भी मगफरत ना करें, नहीं जब वो बुलाएंगे तो मैंने कहा मगफरत जरूर करना। इसलिए मुझे और आपको ये लालच और हिर्स होना चाहिए, मौके की इंतजार होनी चाहिए, बख्शिश के बहानों की तलाश होनी चाहिए कि बारी ताला आपके नबी ने फरमाया है कि आप 15 शाबान की रात अपने बंदों को बुलाते हैं और कहते हैं आओ मेरे से अपनी बख्शिश करवा लो तो हम हाजिर हैं आपके दरबार में, हमारी मफरत कर दी जाए, हमारे वालिदैन हमारे बीवी बच्चे उम्मत है मुसलमान। भाई आप जितनों के लिए मांग सकते हो मांग लो, उसके खजाने में कोई कभी नहीं मेरे और आपके मांगने में जाए। तो फरमाया है जो बख्शिश तलब करने वाला, फिर इसके बाद एक दूसरा ऐलान होता है हाल की मुस्तरजिक, भाई तुम्हें रिजक की जरूरत है, तुम्हें रोजी की जरूरत है, तो फरमाया कौन है जो आज आए और मेरे से रिजक की बरकत रिजक की वसत मांग ले, आज मैं तुम्हें बरकतों और वसतों वाला रिज़्क भी देना चाहता हूं। तो भाई अल्लाह के दिलो अल्लाह के ये नहीं मांग लो कि बारी ताला हम मोहताज हैं, हम जरूरतमंद हैं, हमें तुम्हारे रिजक की भी जरूरत है, हम रिजक के बगैर भी जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो फरमाया रिजक के लिए ऐलान होता है। और तीसरा ऐलान होता है
ये है कोई मुसीबत ज़दा जो किसी मुसीबत में परेशानी में उलझन में फंसा हुआ हो, मैं उसको आफियत की नेमत से नवाजूं, मैं उसकी परेशानी को दूर करके उसको आफियत अता कर दूं, जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया था अपने चचा हजरत अब्बास को, चचा जान सबसे बड़ी दौलत तो ईमान है, अगर तुम्हारे नबी से कोई पूछे ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत क्या है, तो आपने फरमाया था ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत आफियत और सलामती। अल्लाह किसी को आफियत और सलामती अता फरमाए, ये ईमान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये सबसे बड़ी दौलत है। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि आज ये तीन दौलतें तुम्हें मिलेंगी, मफरत का ऐलान किया जाएगा, रिजक का ऐलान किया जाएगा, मुसीबत सदा के लिए आफियत का ऐलान किया जाएगा। अब तुम्हारी हिम्मत है, तुम बढ़कर ये तीनों चीजें अपने मालिक से लेते हो कहीं लेते, तो भाई ये मुझे आपको नियत कर लेनी चाहिए कि इंशाल्लाह ये तीनों दौलतें अपने हाथ फैलाकर अपने मालिक से जरूर, और लेने की नीयत जब होगी तो अल्लाह ताला जरूर अता कर देंगे, चूंकि उनकी तरफ से सरकारी ऐलान होता है। तो ये रात मफरतों वाली है, रिजक के मिलने की है, आफियत के मिलने की है। एक रिवायत में आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए और आप लेट गए, और फिर दोबारा उठे, अपने कपड़े जेबे तक किए और छुटके से बाहर चले गए। अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि मैं देखने के लिए निकली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े जेबे तक करके किधर चले गए हैं, तो कहने लगे कि मैं पीछे पीछे गई तो मैंने देखा जिसे मैं और आप जन्नतुल बकी कहते हैं, बकीए गर्दन भी उसे कहा जाता है, मदीना तैयबा का कब्रिस्तान जो मस्जिद नबवी के साथ है, तो मैंने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी के कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए और वहां जो मदफून लोग थे आप उनकी मगफरत और बख्शिश की दुआ फरमा रहे। तो मैं देखकर जल्दी से वापस आ गई, जब मैं वापस आई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वापस आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा आयशा सांस चढ़ा हुआ है क्या बात है, अर्ज किया रसूलल्लाह मैं आपको तलाश करने गई थी, तो आपने फरमाया आयशा तुझे पता नहीं आज कितनी बरकतों वाली रात है, और फिर आपने फरमाया कि जिब्रील मेरे पास आए थे वो बताकर गए हैं कि आज की रात अल्लाह ताला आसमान पे रहमतों के दरवाजे खोल दे, और आसमान दुनिया पर जो हमारा पहला आसमान है अल्लाह अपनी शान के लायक नुज़ूल रहमत यहाँ पर फरमाते हैं, और गुरूब से लेकर सुबह तक अल्लाह ताला अपने बंदों को मगफरत और बख्शिश के लिए बुलाते हैं। तो फरमाया आज की रात चूंकि अल्लाह ताला मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा रहे तो मैं इसलिए दुआए मगफरत के लिए गया था, और फिर अम्मा जान फरमाती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आयशा अगर इजाजत हो तो आज की रात मैं इबादत में गुजार दूं, तो आपने कहा जी हाँ या रसूलल्लाह इजाजत है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तवील नमाज पढ़ी, सजदे में तशरीफ ले गए और इतना लंबा सजदा फरमाया, आयशा फरमाती है कि मुझे ये वहम होने लगा कि कहीं सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह तो नहीं परवाज हो रही, इतना लंबा सजदा, हालांकि हम उस लंबे सजदे देखते थे लेकिन आज कितना लंबा सजदा किया होगा कि अम्मा जान को ये शुबा होने लगा कि कहीं मेरे नबी की रूह तो नहीं परवाज कर गई, तो कहने लगे मैंने आपके पांव के तलवों को जरा हाथ लगाया, जब हाथ लगाया तो उसमें थोड़ी हरकत मुझे महसूस हुई, तो मुझे इत्मीनान हो गया कि भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा और हयात हैं, आप सजदा ही लंबा फरमा रहे हैं। तो भाइयों हमारे नबी वो तो मुझे और आपको ये इबादत सिखा कर गए हैं, लेकिन उम्मत के भूल भलियों में लग जाती है, के खुराफात में लग जाती है, इबादत के नाम पर नेकी के नाम पर मैं और आप गलत और वाहियात कामों में लग जाते हैं। आप देखते हैं कि ये रात जिसको शबे बरात हमारे उर्फ में कहा जाता है, ये रात आती है कोई पटाखे बजा रहा है, कोई जो है चराहा कर रहा है, कोई लाइटिंग ज्यादा कर रहा है, कोई मीठी चीजें पकाने पर लगा हुआ है,
की खाने पीने के चक्कर में लगा हुआ है और हमारे नौजवान वो बाजारों का हटरबस करने में लगे हुए। तो भाई ये तो इस्लाम ने कही नहीं, ये कहां से मैंने और आपने निकाल लिया? ये सब बेहूदा फजूल वाहियात चीजें हैं, बल्कि अल्लाह से दूर करने वाली चीज। इसलिए खुदारा इन चीजों को मजहब के नाम पर मत कीजिएगा। जो रात अल्लाह के कुर्ब की है, हम फजूलियात और लगवियात करके अपने आप को अल्लाह से और दूर करते हैं। इसलिए अपने अपने घरों में इबादत करो, अल्लाह जितनी तौफीक दे उतनी इबादत कर लो, आराम कर लो, लेकिन इन लगवियात में अपने आप को ना लगाओ। ये जो मैंने अर्ज किया कि जितनी भी फजूलियात और लगवियात की जाती है, ये तो शैतान के भाई बनने के मुतरादिफ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैशी में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते, इन्नल मुनज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले ये शैतान के भाई हैं। तो भाई आतश परस्ती और आतशबाजी ये तो मुसलमानों का शियार नहीं है, ये तो वो कौमें करती हैं जो आग की पूजा करने वाले, जिन्हें हम मजूसी कहते हैं, वो आग की पूजा करने वाले लोग वो इस तरह के काम करते थे। हम अल्लाह की पूजा करने वाले हैं, अल्लाह की बंदगी करने वाले हैं। अल्लाह का बंदगी करने वाला अपने नबी की पैरवी में इतना लंबा सजदा करे कि देखने वालों को महसूस हो इसकी रूह निकल गई। ये है मेरे नबी की सुन्नत। इसलिए मैंने आपसे अर्ज किया है कि आतशबाजी चलाना और इतनी लाइटिंग, इसका तो कोई इस्लाम में तसव्वुर नहीं है। अपने मामूल के मुताबिक रहो, ये काम मत करो। और फिर हम अपनी खवातीन को, बिचारियों को खाने पकाने पर लगा देते हैं, भाई फुला फुला चीज बनाओ। जब इतनी चीजें खाओगे भाई तो इबादत कहाँ कर सकोगे? वो तो खा पी के फिर बस नींद आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अल्लाह के लिए ये खाने पीने के जो चक्कर है, ये भी कोई इस्लाम में ऐसा नहीं है। अपने मामूल के मुताबिक खाओ पियो, लेकिन ये समझना कि इस मौके पर इस तरह की डिशें बनाना शायद इस्लाम में कोई इसका तसव्वुर है, तो बड़ी माजरत, इस्लाम में इसका तसव्वुर नहीं है। इस्लाम का तसव्वुर मैंने आपसे अर्ज किया है कि मेरे नबी की तरह दुआएं मांगो, मेरे नबी की तरह सजदे करो, और अगर कहीं मौका मिल जाए तो कब्रिस्तान चले जाओ ताकि आखिर की याद ना, अपनी मौत की याद ताजा हो। ये है इस्लाम का तसव्वुर। तो जो इस्लाम का तसव्वुर है उसको हम भूल गए और अपने रस्म और रवाज में खो के रह गए। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, इससे किनारा कशी करो और इस रात में अल्लाह ताला तौफीक दे तो अपने घरों में इबादत का इंतजाम करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया था कि तुम्हारी नफली इबादत, तो तुम नफली अदा करते हो, आपने सहाबा को फरमाया तुम्हारी नफली इबादत अपने घर में करना वो मेरी मस्जिद नबवी के अंदर आकर करने से अफजल। तुम्हारी नफली इबादत क्या है? फर्ज में, फर्ज हर सूरत में मस्जिद में पढ़ने हैं। नफली इबादत आप फरमाए सहाबा को मुखातब करके कि ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी नफली इबादत अपने घर घर में करना ये मेरी मस्जिद नबवी में आकर करने से भी अफजल। ये आपने सहाबा को कहा। इसलिए हम अपने घरों में भी इबादत का इंतजाम करें, घर वालों से भी कहें, बच्चों से भी कहें, जब आप घर में नवाफिल पढ़ेंगे, जिक्र करेंगे, तिलावत करेंगे, दुआएं मांगेंगे, तो बच्चे भी देखेंगे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू कर देंगे। हमारे यहाँ क्या रस्म बन गई है कि भाई नहीं घर में कुछ भी करना, घर शोर बहुत होता है जनाब। नहीं भाई, घर में शोर हो शगब हो, हमें नफली इबादत अपने घरों में भी अदा करें। एक रिवायत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाया करो। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह घरों को कौन कब्रिस्तान बनाएगा? तो आपने फरमाया अगर तुम अपने घर में नफली इबादत नहीं करते हो, जिक्र तिलावत नहीं करते हो, तो तुम अपने घर को कब्रिस्तान बनाओ। तो इसलिए हम अपने घरों में भी इबादत का इंतजाम करें, और मैंने कहा ये जो लगवियात है इनसे भाई अपने आप को बचाएं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीजें और भी इरशाद फरमाई। आपने फरमाया अल्लाह ताला सबकी मख्शश के ऐलान करते हैं, शिर्क करने वाला
अपने दिल में मुसलमानों का कीना रखने वाला, वालिदैन का नाफरमान, शराब का आदी, सूदखोर, जो इन चीजों के आदी होते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं इनके मामला दूर हो गया। तो इसलिए भाई हमें इन चीजों से अपना किनारा कशी करनी चाहिए कि ये गुनाह हमारे नामा अमाल में ना हो। अगर खुदा ना खास्ता है तो अल्लाह ताला से तौबा करके अपने मामले को साफ कर लेना चाहिए, ताकि जो मगफरत का मौका है हम कहीं मगफरत और बख्शिश से महरूम ना रहे। तो दर हकीकत मैंने अर्ज किया था ये रमजान की तैयारी के लिए है, लेकिन खुराफात से बचिएगा। अल्लाह ताला तौफीक दे तो 13, 14, 15 इन अय्यामे 20 का रोजा रख लीजिएगा। रात को अल्लाह मौका दे दे जितनी तौफीक हो वो नफली इबादत कर ले, लेकिन फराइज को ना छोड़े भाई, और फराइज के बराबर ना इसको समझे, ये फराइज से बहुत नीचे है और फराइज का दर्जा इससे बहुत ऊपर समझे। अगर इस तरीके से इस रात को किया जाएगा तो इंशाल्लाह ये हमारे उर्फ मगफरत रिज़्क और आफियत को देने का जरिया बन जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आपको अमल करने की तौफीक दे।